ठीक, तो क्वेश्चन है कि एसएचएम के अंदर ये एम्पलीट, मान लो ये इक्वेशन गिवन है और एम्पलीट्यूड पूछा तो एम्पलीट्यूड 5 है, लेकिन अगर ये इक्वेशन है और एम्पलीट्यूड पूछा तो क्या आंसर होगा? एम्पलीट्यूड का मतलब क्या है कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड। तो अगर मैथ्स लगाएं तो वाई की वैल्यू अगर मैक्सिमम करनी हो तो साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम पुट कर दो जो कि कितनी है 1, तो आंसर क्या आएगा 8, ठीक है 8। तो मैथ से ही कह रहा है, मैथ्स के अकॉर्डिंगली वाई की मैक्सिमम वैल्यू 8 ही है इसमें, बट प्रॉब्लम ये है कि जो एसएचएम के अंदर अगर ये इक्वेशन गिवन है कि ये इक्वेशन किसमें है, इन एसएचएम, एसएचएम के अंदर एम्पलीट्यूड की डेफिनेशन ही कहती है डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम कहां से, मीन पोजीशन। तो डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन क्या कहलाती है? एम्पलीट्यूड। और मीन पोजीशन क्या होती है? मीन पोजीशन होती है जहां से पार्टिकल स्टार्ट हुआ। तो अगर आपकी ये इक्वेशन है और अगर मैं कहूं कि मीन पोजीशन क्या है, मीन पोजीशन वो है जहां से पार्टिकल स्टार्ट हुआ एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो। तो टी इज इक्वल टू जीरो से स्टार्ट हुआ, साइन जीरो क्या होता है? जीरो। तो मीन पोजीशन की जो वैल्यू है वो वाई इज इक्वल टू जीरो नहीं है, वो वाई इज इक्वल टू 3 है। अब इमेजिन करो आपके पास ये वाई इज इक्वल टू जीरो का पॉइंट है, अगर मैं यहां से डिस्टेंसेस लूं तो वाई की मैक्सिमम वैल्यू नो डाउट कितनी आ रही है? 8 आ रही है, बातें खत्म है। लेकिन हमने कहां से लेना है? फ्रॉम वाई इज इक्वल टू 3, क्योंकि वाई इज इक्वल टू 3 हमारी कौन सी पोजीशन है? मीन पोजीशन है। तो जिस वजह से ये जो डिस्टेंस आएगा वो 8 में से 3 क्या आएगा? 5 आएगा। तो एम्पलीट्यूड इसके अंदर जो मार्क करेंगे वो 5 मार्क करेंगे, वो 8 मार्क नहीं करेंगे। ठीक, पॉइंट समझ में आ रहा है? क्योंकि मीन पोजीशन हमारी वाई इक्वल टू 0 नहीं है, मीन पोजीशन वाई इक्वल टू 3 है। तो सारे डिस्टेंसेस यहां से लेंगे तो यहां से मैक्सिमम दूरी इस पॉइंट की कितनी है? 5 आएगी। यहां से 8 आएगी, पर एसएचएम में मैथ होता तो इसमें 8 ही आंसर था, पर एसएचएम में तो एसएचएम ये नहीं देखती कि कहां, एसएचएम ये देखती है कि मीन पोजीशन कहां पर है, तो मीन ढूंढनी पड़ेगी फिर आंसर आएगा। ठीक है यहां तक? तो आपको ये शीट भी दी है मैंने अभी आपको, और रादर जो क्वेश्चन आया हुआ है वो एक्चुअल में ये आया हुआ है, वाई इज इक्वल टू ए नॉट प्लस ए इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस बी इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी। अब ये जो इक्वेशन है ये एसएचएम की इक्वेशन है, हार्मोनिक मोशन साइन कॉस की बनी होती है, ये हार्मोनिक मोशन तो है ही नहीं, ये तो कांस्टेंट है। तो पहला काम क्या किया, जो भी वाई की वैल्यू आएगी उसमें से मुझे एंड में क्या माइनस करना पड़ेगा? ए नॉट। तो उसमें से ए नॉट पहले से माइनस कर दिया, तो क्या बचा मेरे पास? ए कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस बी साइन ऑफ ओमेगा टी। अब एम्पलीट्यूड की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी हार्मोनिक मोशंस की? ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। ये आपने आंसर मार्क करना है, ए नॉट को कंसिडर नहीं करना, क्योंकि वाई में से जो वाई की वैल्यू आएगी उसमें से ए नॉट को क्या करना पड़ेगा हमें? माइनस मीन पोजीशन की वजह से ये आंसर होगा। ठीक है यहां तक? तो